नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश है दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा ये टमाटर के बारे में। ये नामधारी टमाटर लगाया गया है। आज हम किसान से जानेंगे आए हैं कि किस महीने में इसकी नर्सरी तैयार किया जाता है, किस महीने में इसका जो है पौध लगाया जाता है, और इन्होंने किस महीने में नर्सरी डाला था, और इसका देख रेख किस तरह करना है, पौध का दूरी कितना रखना है एक पौध से दूसरे पौध की दूरी, और इसमें सिंचाई कितनी बार करना पड़ता है, पौध जब लगाते हैं तो किस तरह से सिंचाई होता है, दवा का छिड़काव कब करना पड़ता है, और ये इसमें जो है लागत इनकी कितनी लग गई होगी जो इतना खेत में लगाए हैं, कितना खेत में है ये भी इनसे जानकारी लेंगे, और कितने महीने बाद फल देने लगेगा, कितने महीने बाद फूल आने लगेंगे, और कितने महीने बाद मार्केट में जाने लायक हो जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आते क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सर जी आप अपना नाम बता दीजिए। छेदीलाल पटेल। पूरा पता यहाँ का? गांव पूरे भैया जी, पोस्ट बाबूपट्टी, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रानी। ये कौन सा टमाटर है आपका जो लगाया गया है? नामधारी है। नामधारी। इसकी नर्सरी अगर किसी को तैयार करना है तो कौन से महीने में इसका जो है नर्सरी तैयार करें? अब इसको जौन है, जैसे जौन है मैंने इसको डाला था, जौन है साठा धान लगाया था। हाँ। तो साठा धान लगाया था तो भाई अगस्त में इसके जो है बेहन पड़ गई थी। अगस्त में? हाँ। अच्छा, इसका बेहन अगस्त में डाल सकते हैं? हाँ। अगस्त, उसके बाद इसका रोपाई यहाँ पर कब कर सकते हैं हम? 1 अगस्त में जो है, अक्टूबर में जो है, अगर मौसम साफ रहा, खेत मौसम साफ होना चाहिए, साफ रहा या खेत आपका जो है धान कट गया है, जो है खेत भी खाली होना चाहिए, खाली होना चाहिए, तो 1 महीने में जो है ये बेहन तैयार होती है। हाँ। पूरा जो है 1 महीने के बाद में जो है ये लग जाना चाहिए। 1 महीने के बाद? हाँ। तो जैसे जुलाई में हमने बेहन डाला, जुलाई अगस्त में, अगस्त में जो है लग जाना पूरा अगस्त। जैसे अगर हम लगा देते हैं मौसम साफ नहीं है तो कोई समस्या हो सकती है? अब खेत समस्या का भाई, अब पानी को उतार होना चाहिए, अगर पानी भर गया तो फिर खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। या तो जो है हमारी बलुहारी है, मौसमी हिसाब से होना चाहिए कि बारिश ज्यादा ना हो, बारिश उसके अनुसार हमें रोपाई करना है, रोपाई करना। तो ये जो अभी आप रोपाई किए हैं नामधारी टमाटर का, तो इसका एक पौध से दूसरे पौध की दूरी कितना किए हैं आप? फुट के हिसाब से तो नहीं नापे हैं, एक अंदाज कितना है? एक हाथ से है, हाथ से। तो दोस्तों आप देख पाएंगे एक हाथ, यानी एक हाथ नाप करके एक अंदाज बस जो है यहाँ पर लगाया गया है, तो ऐसे आप भी एक अंदाज ले करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिंचाई किस तरह से करते हैं, पौध लगाने के कितने दिन तक इसको सींचना पड़ता है? अब इसको जो है ना पौधा जैसे लगा दिए। हाँ। हमने जो है नारे में इसको पानी दौड़ा के तुरंत पानी दे दिए, यानी जो नाली आप बनाए हैं इसमें जिस दिन पौध लगाया गया उसी दिन जो है यहाँ पर पानी भर के इसके ऊपर जो है नीचे पौध पे पानी डाला गया, डाला है। तो कितना दिन तक पानी डालना पड़ता है ऐसे? पानी बस एक बार ही डालो, बस एक बार। हाँ। फिर उसके बाद अगर मौसम बहुत साफ है। हाँ। तो नाली सूख गया बहुत, मान लो मिट्टी जवान है टाइट हो जाए जवान है, तो उसको फिर जवान है सिंचाई कर देना चाहिए। तो जैसे मौसम पानी बारिश नहीं हो रहा है तब हमें कितना दिन बाद सिंचाई करना चाहिए? अब इतना दिन कि खेती के जवान है नाली के सीना हटने ना पाए। अच्छा, जैसे ये देख लीजिए दोस्तों, सीना यानी कि नमी जिसे कहते हैं, नाली की नमी जो है हटना नहीं चाहिए। अगर नाली की नमी हम कैसे पता करेंगे हट गई है, ये जो दर्रा निकल जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं। तो कितना दिन तक अभी टिकता है आपके खेत में पानी, जैसे आप एक बार सींच दिए कितना दिन तक नहीं सींचना पड़ता? अरे कम से कम 15 दिन ले जाएगा। 15 दिन। तो ये लगाने से पहले इसकी जुताई कितनी बार कराए थे आप? 3 बार, 1 बार कल्टीवेटर, 2 बार रोटावेटर से जुताई की। जोतने समय पे जवान है पोटाश डाले थे। पोटाश कितना मात्रा में डाले थे? अब इतने में जवान है 10 किलो डाले थे। जवान कितना विश्वम है आपके टमाटर? टमाटर तो 4 विश्वा होगा। अच्छा, तो दोस्तों इनका जो है 4 विश्वा में टमाटर लगाया गया है।
तो इसका दवा का छिड़काव कब करेंगे, कितना दिन बाद रोपाई के? जवान है जैसे पौधा पकड़ ले, पौधा अभी तो पकड़ लिया है ना, कितना दिन हुआ इसको अभी? 15 दिन हो गया होगा। 15 दिन तो कितना दिन बाद पौधा पकड़ लेता है? हाँ 15 दिन के बाद पकड़ लेगा। तो दवा का छिड़काव कितना दिन बाद किया जाता पकड़ है? पकड़ तो वो लेगा जवान ऐसा है, अब जैसे धूप खोल दिया, धूप खोल दिया तो 4-5 दिन तो कब मुरझाहट जवान है, दिन में तो मुरझाहट रहेगा, रात में जब ओस पाएगा फिर खड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो ऐसे जवान है 3-4 दिन लगा रहता है। तो इसमें पहली बार दवा छिड़काव कब करना पड़ता है इसको जवान है? लगाने के बाद जवान है खूब पौधा पकड़ ले, 15 दिन के बाद जवान है इसको। कौन सी दवा डालते हैं? कीटनाशक जवान है। वो कौन सी कीटनाशक आप उपयोग में फोरफेक्स हो गया? कौन सा फोरफेक्स हो गया? फोरफेक्स। फोरफेक्स तो ये किस काम में आता है? ये कीड़ा उड़ा जवान है मारते, यानी जो सड़ुआ रोग लग जाता है। तो इसमें अधिकतर रोग कौन सा लगता है अभी? अधिकतर रोग तो इसमें ये सड़ुआ रोग लग जाएगा तो पौध जो है सूख जाता है। सड़ुआ जवान अभी पौधा टाइम पे लगेगा, फल के टाइम भी लगेगा सड़ुआ। तो ये 4 विश्व में आपका खर्च कितना पड़ा होगा लगभग? अभी तो खर्च मान लो जो ना जैसे इसमें 2 पत्ता लगाया हूँ, बेहन खराब हो गई थी, तो 600 जवान है 60 रुपये का तो बेहन पड़ गया। 660 रुपये का 10 ग्राम? 10 ग्राम ना 20 ग्राम। 20 ग्राम तो अभी जितना आप लगाए हैं पूरी तरह से जुताई से लेकर के रोपाई से लेकर के बीज से लेकर कितना खर्च पड़ा होगा? अरे खर्चा जो है ना 2000 खर्चा पड़ गया। 2000 रुपये। तो अभी इसमें फूल कितने दिन में आना स्टार्ट होगा? जैसे रोपाई कर दिए हैं तो फूल कितना दिन में आना स्टार्ट होगा? फूल जो है अब इसी के बाद जो है दवा फूल बतिया जो है छिड़कते रहेंगे, जैसे ये पौधा है अब इसमें जो है इसके बाद जो है फूल आना शुरू हो जाएगा। अभी कितने दिन बाद फूल आएगा इसमें? अभी लगेगा का हफ्ता, 1 सप्ताह लगेगा, यानी 7 दिन बाद रोपाई के कितने दिन बाद फूल आना स्टार्ट होता है? कि पौधा जितना पुराना नया जितना समय का ऐसा भी है कुछ? पुराना तो जो है जैसे आप उसको जो है नहीं लगा पाए, देखो 2 महीने क्रॉस के बेहन आप मतलब लेट हो गया, 2 महीना लेट कर आप पौधे में जो है फूल आ गया है, देखो जो हाँ आपको जो कहीं कहीं दिख रहा है। तो अब जो है आप जैसे लगाए तब कितने दिन बाद? 1 सप्ताह बाद फूल आना स्टार्ट होगा? हाँ कई कई पेड़ में जो है जो पेड़ गफ्फारदार हो जाएगा उसमें जो है आ जाएगा। इसमें जवान है देखो अब कहीं कहीं पे जवान है ढोड़ जवान है, कहीं कहीं पर फूल लगे हुए हैं और कहीं कहीं पर जैसे उस साइड में दिख रहा था तभी। तो अभी मतलब फूल लगना स्टार्ट होगा तो इसमें फल जो है कितने दिन में आता है? फल तो आना जवान है जवान है अक्टूबर लगा हुआ है। हाँ अक्टूबर जवान है, दिसंबर उसम्बर तक जवान है। दिसंबर में यानी अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 2 महीने बाद फल आना लगेगा। पकेगा कितना महीने बाद फिर? पकेगा तो देखो पकने की बात है जो ना धूप रहेगा तो जल्दी पकेगा, धूप जैसे जनवरी में दिसंबर में अधिकतर कोहरा पानी चलता है तो कोहरा पानी में तो बहुत कम पकता है। अच्छा धूप है तो अच्छे से जल्दी पक जाएगा? जल्दी पके। तो ये फिर भी किस महीने तक पक जाएगा? फरवरी के बाद? जनवरी से शुरू हो जाएगा। जनवरी से पकना जो है फरवरी में, यानी जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा पकना, अब फरवरी में फूल जो है तैयार हो जाएगा। तो इसमें टोटल जो है आपका तैयार होते होते जब पक जाएगा तो कितना खर्च लग जाएगा? अब खर्चा अब जो है देखो जो कितना रखते हैं ये खर्चा, अगली बार जब किए थे तो कितना खर्च पड़ गया था? अरे इसमें जो है किए थे कम से कम जान लो 5-6 हजार रुपए। 5-6 हजार। तो जैसे आपको टोटल तैयार हो जाता है, बिक्री हो जाएगी, टोटल सही रेट मिल गया तो इसमें कितना तक बेनिफिट मिलेगा? फल के ऊपर है, फल जितना देगा। अगली बार जब किए थे तो कितना आपको मिला? अभी इसमें तो जोड़े गांठे नहीं थे भाई जान, फिर अंदाज एक अपन जात का इतने मगर फल हो जाएगा जैसे 10 रुपए 15 रुपए में बिछाया जाएगा जो है। हाँ। तो 15 हजार के ऊपर तो कराशी कहेगा फल, 15-20 हजार। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, इसी तरह जो है टमाटर खेती किया जाता है और इसी तरह से इसमें बेनिफिट होता है।